एक बात सूचना देने की है कि ये जो अद्वैत रीति रसिकैर उपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः सठेन केनापि वयम् हठेन दासी कृता गोप वधु वितेन, ये मधुसूदन सरस्वती का श्लोक नहीं है, ये बिल्ल मंगल का श्लोक है और उनके श्री कृष्ण करणामृत में आता है। तो वो तो मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, उनके ऐसे दूसरे बहुत से श्लोक हैं। ये नहीं कि ऐसे श्लोक वे नहीं बोलते थे, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने आवृतम आवीर वार नारी भी, बहुत से श्लोक हैं, परंतु ये श्लोक बिल्लो मंगल का है। अब रही बात, देखो भगवान के सौंदर्य माधुर्य का आकर्षण हमारी आंख के लिए है, कान के लिए है, त्वचा के लिए है, नासिका के लिए है, हमारी रसना के लिए है, हमारे हृदय के लिए है। माने ये सारा व्यक्तिगत जीवन के साथ संबंध रखता है, और जो ब्रह्म ज्ञान है वो अद्वैत जो तत्व है जिसमें दूसरे का माने शरीर का अंतःकरण का भी समावेश नहीं होता, जहां जीवत्व भी नहीं रहता, वो है ब्रह्मानंद का स्वरूप। तो जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने शरीर और अंतःकरण को छोड़ देते हैं, ये न मैं है और न मेरा है, और उनकी छोड़ी हुई वस्तु उनका वो निर्वासन अंतःकरण, वो निर्भिमान अंतःकरण, वो सच्चरित्र जीवन भगवान को इतना पसंद आता है कि वे उसको कहते हैं भाई तुमने तो छोड़ दिया, अब हम उसको दे देते हैं। देखो मैं वेदांत की ओर से बोलता हूं, बोला परिनिष्ठितों की नैर्गुणी उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। भगवान की लीला ने आकर मेरे चित्त को ग्रहण कर लिया, क्यों जी आपने अपने चित्त को रोका क्यों नहीं? तो चित्त तो मैं नहीं, चित्त मेरा नहीं, चित्त सच्चा नहीं, छोड़ी हुई चीज, अगर वो भगवान के किसी काम आ जाए, भगवान के किसी काम आ जाए और उनको पसंद आवे और उसके साथ हंसाए खेलाए बोलाए, आहा बहुत बढ़िया बात है। तो प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है। इसलिए जो अपने को निर्गुण अनुभव कर चुके हैं वे भी भगवान के गुणों के निरूपण में रस लेते हैं। इसका अर्थ है गुण मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, गुण है तो भगवान का। भगवान ने कहा कि बाबा गुण मेरे नहीं है, भगत जी सारे गुण तो तुमने मुझ में डाले हैं, ये तुम्हारे दिए हुए गुण हैं, लो इनका मजा तुम लो। अच्छा, तो तत्व ज्ञान और भक्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं है,
तत्वज्ञान तो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का स्वरूप है, और भक्ति जो है वो अंतःकरण में एक रस का समुद्र उच्छलित हो रहा है, एक व्यक्ति के हृदय में उच्छलित होने वाली जो रसामृत धारा है उसको बोलते हैं भक्ति। इसको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम भगवान के रूप रस का ही वर्णन करते हैं। यन्मर्त्यलीलौकैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषण भूषणांगं। भगवान ने कहा ये मरने वाले शरीर में जो लोग बैठे हुए हैं ये अमृत तत्व को तो नहीं समझ सकते हैं, तो ये हमारे पास कैसे आएंगे? तो उनको अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट किया और दिखाया कि हमारी जोर माया में कितना बल है। एक दिन स्वयं भगवान शीशे में देख रहे थे किसको का अपने को, उनके मन में आया ओहो मैं इतना सुंदर। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम, उन्होंने देखा इतनी सुंदरता तो मैंने कभी कहीं देखी नहीं थी, ये जो शीशे में दिख रहा है इसको देख करके तो मैं आश्चर्य चकित हो गया। इसके एक एक अंग भूषण को भी आभूषित करने वाले हैं, सुंदरता के परम पद हैं। अपरिकरित पूर्वक कश्चमत्कारकारी, ये कौन है जिसको मैंने कभी देखा नहीं, ऐसी आंख नहीं देखी कभी अपनी आंख से। अपनी आंख अपने को नहीं देखती है, भगवान को भी अपनी आंख नहीं देखती है, और शीशे में देखता है अरे इतनी सुंदर आंख, इतनी सुंदर भौं, इतने सुंदर कपोल, ऐसे होठ, ऐसे दांत, ऐसा सौंदर्य माधुर्य। बोले ओहो मैं अगर राधा होता तो इसी के साथ ब्याह करता, अहम अपि परिभोक्तुम कामये राधिके वा उज्ज्वल नीलमणि में नारायण, ऐसा वर्णन है। अब भगवान के रूप माधुरी को देखें तो सापिन और बीछी भी मुग्ध हो जाते हैं, ये बात रामचरितमानस में आई है। जिनहि निरख मग सापिनी बीछी तजत विषम विष तामस तीछी, तमोगुण बह जाता है उनका। और सापिन सर्पिणी पुत्रादिनी सर्पिणी, अपने बेटे को खा जाने वाली सर्पिणी, वो क्रूर वो बिच्छू जो चाहे जिसको दंत मार दे, श्री रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके निर्विष हो जाते हैं, उनका विष बह जाता है। जिनको देखने के लिए जलचर जिस समय सेतु पर भगवान रामचंद्र चलते हैं, निरखन कहा प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये बहु जल चर वृंदा तिनकी ओटन देखिए बारी। और आगे आगे रामचंद्र पुल कर चलते हैं और उनके पीछे भी सब के सब जलचर
प्रकट होकर चलते हैं समुद्र में, और अगर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पारे जाए, बंदरों ने कहा कि हम तो बस इनके ऊपर अच्छी सवारी मिली है, और जैसे कोई घोड़े पर चढ़े वैसे जलचरों पर चढ़ चढ़ के पार जाते हैं। सूर्पणखा का मोहित हो जाना, प्रदूषण के मोहित हो जाने का वर्णन तो रामचरित मानस में बहुत स्पष्ट है। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये देखो सबके मन को अपनी ओर खींचने के लिए जो भगवान का सौंदर्य है, वन में रहने वाली स्त्रियां और पहाड़ पर रहने वाली, जल में रहने वाले जंतु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, बिल में रहने वाले सांप, सब भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं। ये उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का अद्भुत वर्णन है। ब्रह्मज्ञानी जनक इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, वरदस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मन ब्रह्मानंद का आस्वादन कर छोड़कर श्री रामचंद्र के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन में आ जाता है। कैसे ब्रह्म ज्ञान में, जनक जी के ब्रह्म ज्ञान में कोई फर्क पड़ जाता हो, ये ऐसी बात तो विलुप्त। ब्रह्म ज्ञानी तो और बात छोड़ो, यदि सारी दुनिया का संहार कर दे तब भी उसके ब्रह्म ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप गीता नहीं पढ़ते? हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। और वो भगवान से प्रेम करेगा तो उसके ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर पड़ जाएगा? तो ये ब्रह्म ज्ञान का फजीता जो लोग करते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, उद्धव जी आए थे ब्रज में, इतना फजीता किया है महाराज लोगों ने उनका। सीधा सा प्रश्न है कि उद्धव जी को ज्ञान जब ब्रज में आए थे, जब ब्रह्म ज्ञान उनको हो चुका था, कि जब भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के समय श्री कृष्ण ने उनको उपदेश किया तब ब्रह्म ज्ञान हुआ? इतने से ही सारी समस्या हल हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान तो उद्धव को तब हुआ जब वे भगवान के परम धाम गमन के समय उनके जिज्ञासु होकर चरणों में बैठकर उन्होंने सीखा। अच्छा, कहो सखी अस को तन भारी, जो न मोह यह रूप निहारी। भगवान के राम रूप को देख करके ऐसा कौन शरीरधारी है जो मुग्ध मोहित न हो जाए? अरे औरों की तो बात क्या, लक्ष्मी नारायण आए थे हो रामचंद्र का विवाह देखने के लिए, बारात जब निकली ना तो उसमें लक्ष्मी नारायण आए थे, बेहोश हो गए, रमा समेत रमापति मोहे, मोहे माने क्या हुआ, बेहोश हो गए। और राम हरि हित सहित, हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी नारायण की ये दशा हो गई। तो वहां राजा के रूप में ब्रह्मज्ञानी जनक, देवताओं में रमा समेत रमापति, और महात्माओं में सनकादि वशिष्ठ। हे भगवान,
यही सुख कर लवलेश जेहि बारेक सपने हूं लहो ते नहीं गनत खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमत। एक बार भगवान के सौंदर्य माधुर्य सौश्वर्य उनके सौकुमार जी उनके सौरभ्य का अनुभव हो जाए तो उनका मन शांत ब्रह्मानंद में लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते हिलते डोलते बोलते हंसते खेलते, पर ये जो कल्पना है लोगों की कि इससे ब्रह्मानंद में कोई अंतर पड़ता है, ब्रह्मानंद अपने स्थान पर ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, ये मन इंद्रियों के द्वारा भगवान के सौंदर्य माधुर्य का अनुभव करता है, रस लेता है। अंतकरण की स्थिति दूसरी है और कोटि कोटि अंतकरण अंतकरणाभास उनको दिखाने वाली माया, उनको सच बताने वाली अविद्या, ये सब के सब ब्रह्मानंद का स्पर्श नहीं करते हैं। आओ आप अपने क्षेत्र में रहो। बंसी विभूषित करान नवनी रदाभात, एक मधुसूदन सरस्वती का श्लोक है। बंसी विभूषित करान नवनी रदाभात पीतांबरादरुण बिंब पलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भाई देखो, जिस विषय को नहीं जानते हो उसमें अपना सिर नहीं टकराना चाहिए, और जो तुम्हारा अपना विषय है उसमें निष्ठावान होकर के लगना चाहिए। ये भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह है। देखो वेद स्तुति में श्लोक आता है, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनोहो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस पुलसंग विसृष्ट गृहाः। भगवान का जो आत्म स्वरूप है वो बड़ा दुरवगम है, उसका ज्ञान कराने के लिए भगवान शरीरधारी होकर आते हैं और ऐसी ऐसी चरित्र करते हैं जिनसे मनुष्य का मन संसार की ओर से और विषय वासना की ओर से विमुख हो जाए और नारायण और परमात्मा के स्वरूप में संसार की वासना त्याग करके परमात्मा के सौरभ्य में सुगंध में उनके सौरस्य में आस्वादन में माधुर्य में उनके सौंदर्य में उनके सौकुमार्य में उनके सौश्वर्य में सनकादि चाहते रहते हैं कब बांसुरी बजेगी और हम समाधि छोड़ करके चलेंगे बंसी बनी सुने। तो नारायण ये सब अलग अलग भूमिका है, ये किसी दूसरे पर आक्षेप ब्रह्मज्ञानी भक्त पर आक्षेप करे इसके लिए नहीं है, और भक्त ब्रह्मज्ञानी पर आक्षेप करे इसके लिए नहीं है। और जहां तुम बैठे हो वहां से वैसा दिखता है और उसका खूब आनंद लो, और कौन छोटा है कौन बड़ा है ये तो को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण दोष समझी ही साधु। नारायण नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, नारायण प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व अबाधित परम सत्य है कि परमानंद कंद मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर नारायण, ये
दोनों भूमि अलग अलग है। कोमल चित्त के लिए भक्ति है और नारायण निर्वासन चित्त के लिए भक्त ज्ञान है। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन में इसका बहुत वर्णन किया है और आपको क्या भगवान के रूप माधुरी सुनाने। जब रास होता है पादन्यासैर भुज विधुति सस्मितैर भ्रूविलासैः भज्यन मध्यैश्चलकुचपटैः कुंडलैर गंडलोलैः स्विद्यन मुख्यः कवररसना ग्रंथैः कृष्णवन्दो गायन्त्यस्त्यम्तं तरितैवता मेघचक्रे निरेयुः। घर घटा के समान कृष्ण 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 और कौधती हुई बिजली के समान गोपियां। एक बार डूब तो जाओ अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे नांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी। देखो अपनी अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो, नहीं तो राम भक्त को कृष्ण भक्त बनाना, कृष्ण भक्त को राम भक्त बनाना, शिव भक्त को विष्णु भक्त बनाना, विष्णु भक्त को शिव भक्त बनाना और ज्ञान निष्ठ को भक्त बनाना, भक्त को ज्ञान निष्ठ बनाना। ये सब जो भेदक भ्रांति है उस भ्रांति का विलास है। इसमें कहीं कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। अपनी अपनी निष्ठा अपने अपने रोग की दवा। एक सज्जन किसी वैद्य के औषधालय में गए और बोले कि वैद्य जी आपके औषधालय में जो सबसे कीमती और बढ़िया औषधि हो वो हमको दे दीजिए। वैद्य ने कहा एक से एक कीमती एक से एक बढ़िया दवा हमारे औषधालय में है, तो भाई तुम्हारे लिए बढ़िया वो होगी जो तुम्हारे रोग का निवर्तक होगी। तुम्हारे रोग के लिए जो दवा है वही दवा जो तुम सबको खिलाना चाहते हो वो गड़बड़। किसी को दुश्चरित्र का रोग है उसको धर्मनिष्ठ होना चाहिए। किसी को दुर्वासना का रोग है उसको उपासना करनी चाहिए। किसी को विक्षेप का रोग है उसको योगाभ्यास करना चाहिए। और किसी को केवल अज्ञान का रोग है तो उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नारायण अधिकारी के भेद से ये सबसे बड़ी मूर्खता धर्म के संबंध में यही है कि वो वस्तु और क्रियागत गुणों को देखते हैं और जो चेतन अधिकारी है, यूरोपियन के लिए भी शास्त्र में है, अमेरिकन के लिए भी शास्त्र में है, गौरी शंकर की चोटी पर जो रहते हैं उनके लिए भी शास्त्र में है, चाइना के लिए भी शास्त्र में है, नारायण जापानी के लिए भी शास्त्र में है, और जो अब से हजारों वर्ष पहले रहते थे उनके लिए भी शास्त्र में है, और जो हजारों वर्ष बाद पैदा होंगे उनके लिए भी शास्त्र में है। ये सर्वज्ञ ऋषियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मन का एक एक और एक एक कण एक एक अंश विश्लेषण करके और उनके लिए सब प्रकार की साधनाएं लिखी गई हैं। हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग अपने दायरे में बंध गए हैं वो सबको उसमें खींचने का जो प्रयास करते हैं वो पूर्णता की दृष्टि से वंचित हैं। ओम शांति।